बेटियां और प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो मैं आपको हाथ जोड़कर आपके इतनी भारी गर्मी में आपके पधारने पर इतना ज्यादा इंतजार करने के लिए मैं आपको नमन करता हूँ, आपको सिर झुकाकर आपके चरणों में नमन करता हूँ। साथियों, जैसे कि हमने आपने एक ये कार्यक्रम उचाना मां के हिसाब अपनी कांग्रेस पार्टी द्वारा हरियाणा मांगे हिसाब हमारी कांग्रेस पार्टी हरियाणा की जनता हिसाब मांग रही है। शीर्ष नेताओं ने उस हिसाब का एक संकल्प, उस हिसाब का एक मांग वो बीजेपी के खिलाफ और उचाना मांगे हिसाब। उचाना किस से हिसाब मांगे? उचाना उन लोगों से 52 साल का हिसाब मांग रहा है जिसने इस जनता की दुर्गति करके रखी। 52 साल से दो परिवारों ने हमारे को ऐसे फुटपाथ पर खेलने का काम किया। देखिए, उचाना का पिछड़ापन का जिम्मेदार कौन? जो किसानों की हितैषी का नारा देते आए सदा, जिसने किसान हितैषी सर छोटू राम के नाती होने के नाते ये कहते हैं कि मैं सर छोटू राम के हम नाती और उनके कदम में हम चलते हैं, उन लोगों ने किसानों की शहादत पर ट्रैक्टर यात्रा निकाल करके, उन लोगों ने बीजेपी पार्टी ने जब किसानों के विरुद्ध किसानों के खिलाफ एक 3 कानून लाए, बिल लाए, उन लोगों ने उसको प्रस्ताव संसद में किए और वो आज लोग किसान हितैषी का ढोंग करने आपके बीच में हर रोज आते हैं। आप उनसे बच के रहना, उनकी बातों में नहीं आना। मैं ये कहूंगा, इन लोगों ने सदा टांग खींचने का काम किया है। हमारे माननीय भूपेंद्र हुड्डा जी जब सीएम थे और यहाँ के लोग वित्त मंत्री जैसे बड़े दूसरे नंबर के मंत्री कैबिनेट में थे, इन्होंने उचाड़ा का विकास नहीं करवाया, उचाड़ा का विकास विनाश जरूर इन्होंने किया। विकास क्यों नहीं करवाया? विकास इसलिए नहीं करवाया ताकि ये लोग जागरूक ना हो, ये लोग हमारे आगे ना बढ़े, ये लोग हमेशा जलते हैं। और जलने का उदाहरण मैं आपको बताऊं, चौधरी वीरेंद्र सिंह ने उनकी दिल्ली कोठी पर सन 2019 में जब मैं टिकट की मांग कर रहा था, चौधरी साहब ने मेरे को एक बात ही कही, मैं देख के खुश नहीं हूं। मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं, कभी भी मैं झूठ नहीं बोलता, कभी भी मैं आरोप नहीं लगाता, सच्चाई बात ही आपको बताऊंगा। मां जी क्यों, क्या कसूर कर दिया, देख के क्यों नहीं खुश? ना बोला थोड़े पैसे वाला देख के खुश को नहीं, तो पैसे तो मेरे पास पैसे कहां थे? चौधरी साहब, आप 1000 करोड़ रुपए मालिक हो, मेरे जैसे तो कई सारा आपके मांगों पर काम कर रहे हैं। तो ये लोग इसी प्रकार हुड्डा साहब की उन्होंने टांग खींची, चाहे वो दूसरी पार्टी में गए, वहां भी उचाना का विकास नहीं करवाया, चाहे किसी भी दल में रहे हो, सबका तो एक बात है, इसे तो कदे तो किन हाथ बुला लिया है, कदे केजरीवाल ने बुला लिया है और कदे जेजेपी आने दूंगा दे है, कदे अपनी पार्टी बना हुआ है, हर मौका पर उस्ताद में, चाहे वो कितने बार भी इसका रिकॉर्ड उठाएं। आज इन्होंने देखा कि आपके सामने एक हलके का नौजवान भाई प्रोग्रेस पे है, उसको लेकर ये कहते हैं कि मैं देख के खुश नहीं हूं। तो चौधरी साहब से मैं पूछना चाहता हूं, आप खुश नहीं तो ये जनता तो खुश है, आप तो खुश हो गए, आप सारे खुश हो ना? चौधरी साहब, ये मेरे अपनों का साथ मेरे ऊपर रहे, परम पिता परमात्मा की कृपा रहेगी नहीं, आप खुश हो ना हो हमारे अपने खुश होने चाहिए, मेरे पे इनकी दया मेरे पे बनी रहो। आप सोचते होगे, भाई
के काम करना चाहिए। काम तो वे विकास तो करवाए इन्होंने, पर थोड़े बहुत रोड निकलवा दिए होंगे, कर्ज क्रिया किसी का छोटा मोटा फोन कर दिया होगा। देखिए ये कोई एहसान नहीं कर रहा, ये पैसा किसका है? ये पैसा हमारा पैसा है, जो सड़कें बनवाई गलियां बनवाई है उनका कोई एहसान नहीं। ये भी कहते हैं अड़ेवा गांव में मैंने मंडी बनवाई, ये भी कहते हैं कि उचाना अड़ेवा में मैंने राजकीय कॉलेज बनवाया, ये भी कहते हैं पेगा गांव में मैंने ड्राइविंग स्कूल का काम करवाया। मैं आपको एक बात बताऊं, कोई एहसान नहीं कर रखा उन्होंने। 50 साल अपने को पिया है, 50 साल हमारे को शोषण किया हमारा, और ये लोग कहते हैं कमेरे वर्ग का किसान वर्ग का। मैं पूछना चाहता हूं कमेरे वर्ग के लिए, गरीब आदमी के लिए इन्होंने क्या किया? आज तक गरीब का ये बताओ, वह गरीब भी किसी का सहारा लगाया उन्होंने एक पैसे का भी? कदे कुछ नहीं करा, किसी की कन्यादान के रूप में करिया। खिलाड़ी साथी हमारे बीच में बैठे हैं, यहाँ गांव से हो, दुर्जनपुर से हो, सुरबरा से हो, चाहे काकुड़ गांव से हो, कोई खिलाड़ी साथी हमारा प्लेयर आके ये कहे कि चौधरी साहब ने आकर हमारे खेलों में जाकर हमारा सहयोग किया हो। इन्होंने सदा कमेरे वर्ग के नाम पर वोट लेने का काम किया, सिर्फ कमेरे के नाम पे, किसान के नाम पे आपको हर बार गुमराह करके बार बार सीएम का नाम ले लिया, कभी कमेरे का नाम ले लिया। कमेरे को तो इन्होंने डिस्पोजल समझा, गरीब आदमी को कमेरे आदमी को इन्होंने डिस्पोजल समझ के रखा। इन्होंने सदा ऐसी राजनीति की गरीब है ये तो क्या करना है, जाएंगे कहां, एक दूसरे के बीच में उड़ा के रखा। भाई जाना कहां है उसके, कुछ उस पर जाएंगे कुछ मेरे बीच में आएंगे। लेकिन आज इन लोगों को पता चल गया आपकी ताकत का, आज ये ओका भी पीने सीख गए, आज ये आपके आपने दुख सुख में भी थोड़ा बहुत आए हैं और बैठे हैं आपके बीच में आकर। इन लोगों ने पता लग गया आपकी ताकत का, भाई आप लोग कितने ताकतवर हो, नहीं तो इन्होंने सदा शोषित किया आपको। मैं आपको पहले सोचते थे तो क्या करना चाहिए, जैसे अभी अड़ेवा कॉलेज की बात हम लोग कर रहे थे, अड़ेवा कॉलेज में यहां से 2 किलोमीटर हमारे बस स्टैंड से हमारी बेटियां पैदल जाती और पैदल आती है। इसी प्रकार राजीव गांधी कॉलेज, उन्होंने एक व्यवसाय बनाया अपना लोगों से पैसा इकट्ठा करके, वहां हमारी बेटियां 2-2.5 किलोमीटर कोई पैदल जा रही है, कोई हमारे बेटे पैदल आ रहे हैं, नहीं तो घंटा आधा घंटा वहां बस नहीं रुकती। इसी प्रकार छात्र गांव में कॉलेज नाम का तो कॉलेज आ गया लेकिन बिल्डिंग नहीं है बैठने के लिए। वहां बैठते हमारे बच्चे कहां है, एक प्राइमरी स्कूल की बिल्डिंग में हमारे बच्चे, हमारे स्टूडेंट कॉलेज के स्टूडेंट पढ़ते हैं। शर्म की बात है इन लोगों को, इनको क्या, एक कॉलेज का स्टूडेंट प्राइमरी स्कूल की बिल्डिंग में बैठेगा? आज किसी बच्चे को, आज नौजवान को, यदि मैं, मेरे बेटे सुल्तान है जैसे इस एज में कहें 20-25 साल की एक बच्चे को ना चल गोडरिया चल के दिखा, किस प्रकार चल रहा है गोडरिया वो। आज इन लोगों ने हमारे बच्चे गोडरिया चला दिए, उस बिल्डिंग के अंदर बिठा दिए जहां 5वीं क्लास में वो पढ़े। काम करवाने के लिए है ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था कहीं नहीं कही, अपने एक दुकानदार तो उन्होंने बनाई। दूसरा हल्के में पता गया हर मोड़ पे, चाहे वो बड़ौदा मोड़ की बात हो, चाहे वो दिलवाड़ा हो, चाहे बदाना मोड़ की बात हो, और चाहे वो किठाना थुआ छात्र की बात हो, ट्रांसपोर्ट की मैं हर रोज आता जाता हूँ। नहीं इतनी दया हुआ आप जो से भी देख के ना खड़े हो गए, इतनी राम आवा है इन लोगों ने, घंटा घंटा एक एक हमारे बड़े बुजुर्ग गरीब आदमी, कौन आएगा गरीब आदमी, वो आएगा गरीब बस में वो जाएगा जिसका गरीबी है, तो वहां वेट करना पड़ता है। इन लोगों ने, मैं ज्यादा फोकस करूंगा तो आप सोचोगे ना मैं इनको तो पटा चढ़ा दिया, मैं बिल्कुल बुराई नहीं करी इनकी, बुराई करने के ये काबिल हैं, ये हमारे ये सोचते हैं हमारे बगैर पत्ता नहीं ले, इन लोगों का सोचना हमारे बगैर यहाँ पत्ता नहीं ले उचाना में, चाहे वो कांग्रेस पार्टी में हो और चाहे वो बीजेपी पार्टी में गए हो। हमारे ऊपर शीर्ष नेतृत्व तो एक बार कहते हैं बोले उचाना में न बढ़ियो, उचाना में ना बढ़ियो और उचाना पत्ता ना हिलाए। मैं उनसे एक बात और पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से,
मीडिया के माध्यम से कि उचाणा पत्ता तो ना ले, जिस घर में के डीसी लाग रहा है, जिस घर में डीसी हो, जिस डीसी की माँ एक एमएलए हो, जिस डीसी का बाप एक कैबिनेट मिनिस्टर केंद्रीय सरकार में हो, केंद्र की सरकार में हो, और बड़ा बहुत बड़ा महकमा जिसका ग्रामीण विकास मंत्रालय जिसके पास हो, और वो दिल्ली के चक्कर मारे कटवा में, क्यों क्या कसूर कर दिया हमने? तो दिल्ली के चक्कर मारे क्यों कटवा हो? आपके लिए आज जगह गई है कि इन लोगों ने शर्म आवा आपके बीच में, ये सोचते हैं कोई बतरी कपड़े बिगाड़ ले, कोई तरफ काम ना करवा ले, दूर जाओ, दूर जावेंगे तो जो सौ जने काम वाले आपने दूर से दिल्ली जाए बैठोगे तो पांच आवेंगे, और आप लोगों का खून पसीने की कमाई इन्हें सारी बर्बाद करवा के रख दी। ये हकीकत है, देखे मेरे सैकड़ों सैकड़ों लोग वहां बैठे वेट कर दे। तो ज्यादा और क्या कहूंगा, अभी मैं थोड़ी बात आपको एक बात और कहूं। पहले नगूरा गांव में जैसे अपना एक प्रोग्राम हुआ, नगूरा गांव में इन लोगों ने, विपक्ष के लोगों ने तरह तरह के आरोप लगाए। वो किस प्रकार के आरोप लगाए कि ये प्रोग्राम तो जेपी ने आदमी भेज रखे थे, इस प्रोग्राम में तो पिछले साल जो आपने चाहे का छोटा कार्यक्रम किया था, लेकिन वो आपने इतना भीड़ दिया ना, रैली का रूप दिया। ये कहने लगे कि भाई नगूरा में तो जेपी के आदमी थे, सुभाष गांगुली का आदमी भेज रखे थे, और फिर रही खुई मेरा कहेगा मुझे खाना कर खिया था, फिर मैं भूखे मारू गए, मेरे पास तो बन भूखे मारे जाते, तमसा पानी गिलास ना दियो, अपना भी काम को नहीं होता, मैं भूखे मारूंगा, ईसा काम नहीं अपना बोगा जिंदगी में, मैं निगू मारे अपने सारे छीके छिकाए रहा, मेरा बर गया मेरे तो ऊपर जावा। तो ये इस तरह के लोग और क्या आरोप लगाए, नोला दारू का बुला रखे थे, एक का मैंने सारे साथियों का जो गया, वैसे तू सा साथी वो भी घूट लेता हूं नहीं भाई, रेली में ना दाइयो भाई, दारू ना पियो, और अपनी तरह छोड़ क्यों काले। हाँ तो बात यह है, आपके ऊपर इतने आरोप लगाए इन्होंने, आज मीडिया में पता क्या है कि आपका भाई, आपका बेटा, आपका रिश्तेदार, आपका ताऊ, आपका चाचा, जब जुड़ी क्या नहीं, आपका कहले हो जो कुछ भी है, आप न्यूदी के नहीं भाई, ये लोग आज्ञा फट गए, मेरे से स्पीड इनकी ज्यादा होगी, आपकी स्पीड ज्यादा होगी, अब आरोप के ला लगे, अब पीछे लोकसभा में कह लगे लोकसभा में कि ये छुट भाई नेता, और आप लोगों ने जो आपका नुमाइंदा हो, जो आपका भाई हो, आपका बेटा हो, आपका रिश्तेदार हो, उसको छुट भैया बोले हैं, इन्हें छुट भैया दिखा दिया था हमने, बस छुट भैया मैं वो आज बराबर में करके देखो इकट्ठे। और अभी कुछ दिन पहले मीडिया में मैंने एक और ज्ञान उनका सुना, बोले यू माड़ा फिर है नहीं माड़, आपने माड़ बतावा है, चौधरी वीरेंद्र सिंह की आबाणी जिसकी 80 साल के करीब उम्र और जितने विभिन्न पदों पे ये रहे हो, माड़ बोले यू माड़ा तो वह फिरा है। चौधरी साहब मैं मीडिया के माध्यम से आपको कहना चाहता हूं, ये माड़ ही आपका, ये जो माड़ है नहीं, जो माड़ तैयार हो रहे नहीं, यू मार ही आपने जो दिखाया दिखा होगा, आने वाला भविष्य किसका होगा, आने वाला भविष्य आपका होगा। ज्यादा दिन नहीं बचे, थोड़ा समय बीच में है, लोगों देखियो तो आप लोग कहोगे नहीं, आपके बिना एक ढींग बाहर नहीं करेंगे, आपके बिना एक कदम बाहर नहीं जाओगे। मैं तो आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं, और एक आपसे पूछूं, एक बात पूछूं, जे आप लोग कंधे हो तो आगे बढ़ा बढ़ा तो बताओ आगे बढ़ा के, भाई दिमाग आगे बढ़ाओ, भाई दिमाग आगे बढ़ाओ, तुम्हारे साथ है भाई दिलबाग, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, भाई दिलबाग जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, भाई दिलबाग जिंदाबाद जिंदाबाद। आपके देखिए मैं ये आशीर्वाद और ये साथ है ना जो आपने दे रहे हो, मैं ये आशीर्वाद ही चाहूंगा, आप लोग जो कुछ करोगे नहीं, जो आदेश दोगे सिर माथा वो आदेश होगा आपका, इनकी तरिया आपके ऊपर शान निधर हुआ था, मैंने यूं कर दिया, आपका शान मैं अपने सिर पर लूंगा, आपका शान सदा।
थोड़ा सा समय बचा है। पहली बात तो शीर्ष नेतृत्व आपकी बात को स्वीकार करेगा, 100% स्वीकार करेगा। उड्डा साहब 100% आपकी बात को स्वीकार करेंगे और आपके भाई को, आपको बेटे को आशीर्वाद के रूप में आपके पास भेजेंगे। भाई एमएलए साहब जिंदाबाद, जिंदाबाद। भाई एमएलए साहब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मैं आपको एक बात बताऊं, कोई लालच नहीं, कोई स्वार्थ नहीं, कोई झूठ नहीं, कोई तूफान नहीं। जो बात होगी पेट में होगी वही मुंह में होगी, सुंडी में होगी तो वही आपके मुंह में होगी। फेक लोग तो फेक काम कर रहे हैं। आज ये लोग आपके धक्के से चाय के कार्यक्रम करवाने लग रहे हैं, पीछे ले लो चाय करवा दो, चाय के भूखे रहे पीछे देते नौबत आएगी। ऐसी नौबत किसने दे दी? ऐसी नौबत आप लोगों ने दे दी उनका, ऐसी नौबत आप लोगों ने बोले चाय करवा दो। चाय करवाने के तो सैनी, मैं आपसे एक बात कहूं, आपसे एक बात कहूं, उनसे सवाल कर लेना, सवाल करो उनसे, बताओ ताऊ बतने क्या के है आप लोगों ने करे क्या? ताऊ तो पूछियो, वो छोरा ने पूछ लियो जो सब डीसी बना फिर अपने। हाँ वो आपके लायक नहीं था, वो डीसी तो था, डीसी जरूर था और डीसी की सीट के लायक होगा, लेकिन आपके काम के लायक नहीं था। वो तो एक प्रशासनिक अधिकारी के रूप में था, उसने वो काम किया, उसने जनता की भावना की, अपनों की भावना वो कभी नहीं समझा। उनसे आप एक बात पूछना, कभी गांव में आए सवाल करना, बने उठा दे तेरे बता दो तेरे क्या गया सारी जिंदगी में। लेकिन आप सवाल करोगे एक बात और बताऊं, आप डरोगे। डरोगे क्यों? डरोगे इसलिए पेगा गांव में पिछले दिन पेगा गांव में एक साथी ने पूछ लिया, मेरा दादा कोई रिश्तेदारी लिंक थे, बोला तुमने के करा? सारी उम्र 19 की बात है, ये ठहर गए ना, वो जेल के अंदर करवा दिया। मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा, आप कभी भी इस बात से मत डरना, आपका भाई आपके साथ है, डराक दे ही डांट दे, उससे बात करना, सीधा सवाल देना, सवाल करो उनसे, पूछो भाई क्यों हमारे बीच में, क्यों हमारा शोषण करते आए हो सदा? उसको जेल में आने प्यारा हुआ। अभी कर सिंधु गांव में एक वीडियो मैंने देखी, उसने एक रास्ते में पूछ लिया, बोले ई बह गया 5 साल में, तो 5 साल में एमपी साहब तो ही बह गया, तो नहीं राह बह गया हमारा 5 साल, इन्होंने कोई राह नहीं पाया, राह बह गया, चुनावी प्रसाद में आया गया, इन्होंने राह दिख गया, राह तो हमने दिखा दिया, ए बे ये अपने भाइयों ने राह दिखा दिया, अपन इब राह में उसके लिए राह है ईशा भी ना छोड़ दो, वो गांव में ये बड़ा है नहीं, पढ़ने का जी सवाल कर लोगे नहीं, गांव में पढ़ते छोड़ देंगे, बस बस थोड़ा टाइम रह गया बस। मैं ज्यादा समय नहीं लेंदा, मैं तो एक बात ही कहूंगा, जो ये खापा खून पसीना की है नहीं, पसीना आपने बहाया इतने गर्मी में, देखिए गर्मी तो अपना बस की भी कोई नहीं, इतने कूलर ला लो पंखे ला लो, परमात्मा का क्या अपनी टांग नेड़ दी, जो आपका पसीना है नहीं, इस पसीने को मैं डॉक्टर साहब कड़ा देखा तो नहीं, पसीना ने खून बनके का खून, आपका पसीना मेरा खून होगा, जो आप चाहोगे नहीं, बस सीधी बात है, वो आपको मिलेगा, आप चिंता नहीं मत करना, आप हो ना, आप आज सबसे आगे रेस में हो, आप किस चीज किसकी खींचे वो ही मेरा हुआ भाई, प्रकाश मेरा है, टांग किसी दिन से है, टांग उसकी खींचे है जसबीर, टांग उसकी खींचेंगे जो आगे लिगड़ रहे हो, पक्ष उसके लागेंगे, पक्ष आगे लागेंगे, आज आप लोग आगे लिगड़ रहे हो, आज आप लोग आगे हो, तो ये आपका आशीर्वाद और आपने जो स्नेह प्यार दिया नहीं, इसको जिंदगी भर सिर पर रखूंगा और जिंदगी भर आपको भूल दूंगा। आप इसी प्रकार मेहनत आगे बचे हैं, आपने चुनाव एक ठोक के मेहनत है, आपने सबने एक एक दिलबाग बनकर ना, सारे दिलबाग बनोगे, मैं सारे दिलबाग, हाँ और भी नहीं सारे दिलबाग, भाई दिलबाग जिंदाबाद, 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 भाई दिलबाग जिंदाबाद, जिंदाबाद।
आप यह मेहनत 40-44 दिन और करो, दिलबाग बन के आप आगे बढ़ो। आपके हाथ में ये उचाना की है ना, जो उचाना की बागडोर आपके हाथ में होगी। हाँ एक बात बताऊं, मैं चौधरी निकवावांगे, नेता निकवाऊंगा मैं आपका, नेता आपने बनावांगे, नेता आप बनोगे। मैं नेता नहीं बनूंगा, नेता आप बनोगे। ये नेतागिरी इनकी मिटानी है, नेतागिरी इनकी मिटानी है, और नेतागिरी मिटेगी तो ये गाय देंगे आपने, गाय जो देंगे हमारी चौधर का नाश कर दिया, हमारी चौधर घोषली, हमारी चौधर की माटी पिला दी। यह गाय तो आपने मिलेगी, लेकिन यह चौधर आप अपने हाथ में ले लो, तर हाथ में ले लो, बस चिंता ही नहीं था मोर कहेगी जी। बतेरे बोल लिए, बतेरे बोल लिए। चलो आप सबका देखिए, जितने भी समझ करवाने में आप सबका दिल की गहराइयों से जिंदगी में एक और बात आपको कहना चाहता हूं, जिंदगी में किसी भी साथी से, चाहे कोई यहां बैठा हो, चाहे दूर से सुनता हो, चाहे वो कहीं मीडिया से सुनता हो, चाहे कहीं भी किसी प्रकार से मेरी आवाज उसके पास पहुंचे, जिंदगी में मेरे से किसी प्रकार की भी कोई गलती हुई हो, किसी भी प्रकार की गलती किसी से हुई हो, किसी से ऐसा शब्द मेरे मुख से निकला हो जिसको ठेस पहुंची हो, मैं उसकी आपके बीच में हाथ जोड़कर माफी मांगू। उस साड़ी को भूल चुके न, उस साड़ी को भूल चुके न, और आप अपना साथ दो, अपना भाई ना आगे बढ़ाओ, आप आगे बढ़ो, आप आगे बढ़ोगे। धन्यवाद आपका सारा का, जय हिंद।